अच्छे किताब और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है और आगे चलकर कहीं ठोकर नहीं खाना है तब। क्योंकि अगर आप ये अपने अंदर एटीट्यूड रखेंगे ना कि दुनिया बाकी काम कर रही है तो हम क्यों करें, दुनिया सो रही है तो हमें भी सोना है, नहीं, दुनिया सो रही है तो आपको नहीं सोना है, दुनिया जो कर रही है वो आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको अपने लाइफ में अलग आपने एक टारगेट फिक्स किया है, आपको उसके पीछे भागना है। अगर जब तक वो पूरा नहीं हो पाता तब तक आपको वो काम नहीं करना है जो दुनिया कर रही है, वरना दुनिया के भीड़ में ही जो है आप खो जाएंगे। इस बात को समझिएगा। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और किसी भी कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम का ऑनलाइन सेट बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट, आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद गूगल के प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन के ऊपर अपने फोन के ऊपर हर एक एग्जाम का टेस्ट दे सकते हैं ताकि एग्जाम से पहले अपने आप को जज कर पाओ कि आप स्कोर कर कितना पा रहे हैं, ठीक है। और एक बात साथ बोलूंगा, अगर 349 वाला पैकेज बाई करते हैं तो एक साल के वैलिडिटी के साथ आप आने वाले एक साल तक हर एक एग्जाम का सेट जो है आप सभी दे पाएंगे, ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 1 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला प्रश्न है हमारे सामने वह यह है कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़ों के अनुसार भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में किस स्थान पर रखा गया है। तो जो इंडिया को रैंक दिया गया है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में, वो रैंक दिया गया है आपका 5वां यानी 5th, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया एक नंबर पर कौन है, तो नो डाउट एक नंबर पर आपका अमेरिका है यानी कि US, यूनाइटेड स्टेट। अगर वहीं पर बात करें IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो हेड है उनका नाम क्या है, तो नाम याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछता है, तो नाम क्या है उनका, क्रिस्टियाना ज़ेरोवा। और एक बात, हेडक्वार्टर क्या है, तो वो है आपका Washington DC। तो ये आपको याद रखना है दो चीज, वहां के हेड का नाम क्या है, तो क्रिस्टियाना ज़ेरोवा, ठीक है, और हेडक्वार्टर Washington DC है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आया है इस डेट को लेकर कि हर साल भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया, तो वो दिन कौन सा है, तो वो है आपका 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में दिल्ली के अगले पुलिस आयुक्त के रूप में नामित किया गया है यानी कि अपॉइंटेड किया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिसेंटली नेम्ड एज द नेक्स्ट पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली, और यह नियुक्त किया गया है आपका SN श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर आपका ए। जितने भी करंट अफेयर मैं आपको करवाता हूं आपके आने वाले एग्जाम को नजर में रखते हुए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। पिछले 6 महीने का करेंट अफेयर मैंने रिवीजन करवा दिया, दिसंबर का 2 पार्ट का ऑलरेडी हो चुका है, तो प्लीज PDF डाउनलोड कर आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। PDF का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा जो वीडियो आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दुनिया में पहली बार कौन सी कंपनी है जिन्होंने अपने आगामी स्मार्टफोन में इसरो की NAVIC नेविगेशन तकनीक का उपयोग करेगी। अब इस चीज को समझ लो, जो इसरो का GPS सिस्टम है ना उसको पहली बार इस्तेमाल किया जाएगा किसी फोन में, पहली बार पूरे विश्व भर में, और वो किस फोन में इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपका Realme के फोन में और Xiaomi के फोन में। एक तो Realme और दूसरा क्या है आपका Xiaomi जो Redmi की कंपनी है, ठीक है ना। तो दो फोन में इस्तेमाल किया जाएगा इसरो का GPS सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम। और एक बात, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो सभी को पता है बेंगलुरु में है। और इसरो के चीफ का नाम क्या है, डायरेक्टर का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे K.C. जो है वो इसरो के भैया कौन है, इसरो के डायरेक्टर है, ये सभी को पता है। चंद्रयान के वक्त तो इनका नाम सभी के मुंह पर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है,
किस राज्य सरकार के उच्च न्यायालय ने हाल ही में स्कूल और कॉलेज परिसरों में हड़ताल विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया है? यानी अब जितना भी प्रोटेस्ट है, जितने भी हड़ताल है, विरोध जो भी है, आप अब स्कूल और कॉलेज में नहीं कर सकते, ऐसा जो लॉ है वो पास किया गया है, बैन कर दिया गया है। कहां के स्कूल और कॉलेज में, किस राज्य का? तो वो राज्य है आपका केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, केरला। ठीक है, और केरला के सीएम कौन है? पिनारायी विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, और कैपिटल तो सभी को पता है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने में मदद करने वाले के लिए इनाम की घोषणा की है? अगर आप वहां के कोई भी भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ेंगे और उसकी जानकारी सरकार तक पहुंचाएंगे तो आपको 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार। और बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। कैपिटल पटना, और राजधानी और राज्यपाल वहां कौन है? तो वो है आपके फगु चौहान। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय तट रक्षक बल का छठा अपतटीय गश्ती जहाज 27 फरवरी को लॉन्च किया गया था, पोत का नाम क्या है? ये आपको बताना है। वेसल का नाम क्या है? तो वेसल का नाम है आपका वज्र, ऑप्शन नंबर डी, वर्ज। ठीक है, और एक बात, आप सभी का पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है, आप सभी को कमेंट कर कर ये बताना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड का नाम क्या है, भारतीय तट रक्षक बल के जो हेड है उनका नाम आप सभी को कमेंट कर कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय फर्म और बायोटेक उद्योग 2025 तक कितने बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है सरकार के अनुसार, केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग? तो 2025 तक 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है भारतीय फार्मा और बायोटेक उद्योग में 2025 तक। ठीक है ना, 100 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2020 यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 45 किलोग्राम वर्ग में दोनों युवाओं लड़कियों और जूनियर महिला वर्ग में किसने रजत पदक का दावा किया है, आपको बताना है। और उनका नाम है आपका केबीएल पवनी कुमारी, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हैरी ग्रेग, जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, एक पूर्व और शानदार गोलकीपर थे फुटबॉल के, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब के लिए खेला करते थे, क्या नाम था उनका? हैरी ग्रेग, नाम याद रखना, हैरी जॉर्ज जो है ये खेला करते थे, और ये खेलते थे मैनचेस्टर यूनाइटेड से। जो फुटबॉल देखते हैं ना उन जानते होंगे कितना बड़ा अपने आप में ये नाम है, और नॉर्थन उत्तर आयरलैंड के टीम से भी ये जो है फुटबॉल खेला करते थे, वहां से ये गोलकीपर थे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर के लिए लाइसेंस जारी करने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? विच इज द फर्स्ट अरब कंट्री टू इशू अ लाइसेंस फॉर अ रिएक्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट? और वो है आपका यूनाइटेड अरब इमारात, यानी यूएई। और आज का आपका दूसरा प्रश्न ये है, आप सभी को कॉमेंट कर बताना है कि यूएई का राष्ट्रपति का नाम क्या है, वहां का मुद्रा क्या है, और वहां का राजधानी क्या है? ये तीन चीज आपको कमेंट करके बताना है यूएई के बारे में। यह आपका आज का दूसरा प्रश्न है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 1 मार्च का। इसका पूरा पीडीएफ आप जाकर successki98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक दिया गया है, आप वहां से भी आप सभी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा।